ये जो फूल है ना, आप इसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं। हिंदुज़म बुद्धिज़्म, ये वाला फूल अपराजिता के नाम से जाना जाता है, और फॉरेन कंट्रीज़ में बटरफ्लाई पी। ये जो ब्लू कलर का फ्लावर है ना, इसकी मैं जितनी बात करूं उतनी कम है, और आप अपने घर पे ऐसे बेल लगा लीजिए ताकि आपको भरपूर इसके फ्लावर्स मिलें। बिल्कुल लो मेंटेनेंस फ्लावर है ये। अब अगर डाइटिशियन हूँ तो आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ। बेनिफिट्स इस फूल का ये रहते हैं कि सबसे पहले जिनके बाल नहीं उग रहे हैं, गंजापन आ रहा है, बाल्डनेस है, बाल झड़ रहे हैं, तो आप इसकी टी से अपने स्कैल्प को भी क्लेंज कर सकते हैं। लगा कर रख दीजिए और आपके जो बाल है उसकी ग्रोथ दोबारा से होने लग जाएगी। इसमें 900% ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है संतरे से। सो इतने एंटीऑक्सीडेंट आपके स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो आपका स्किन एकदम से ग्लो करेगा। उसके अलावा ये ब्रेन के लिए इतनी अच्छी है, कॉर्टिसोल लेवल को कम करती है, यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब खत्म हो जाता है। और अब वो वाले दिन शुरू हो गए हैं जहाँ पर हम लोगों को विष्णु भगवान को इम्प्रेस करना है। तो ये भगवान का पसंदीदार एक फूल है और डाइटिशियन का भी एक पसंदीदार फूल है। तो अपने बच्चों को और आप खुद इसकी टी रोज़ बनाकर पिए ताकि आपके इन्फ्लेमेशन बॉडी के ख़त्म हो जाएं।